हाँ सर, वो जो 3 लाख रुपए मेरी वाइफ के अकाउंट में डलवाने थे वो डलवा दिए थे क्या? क्या डलवा दिए? एक मिनट सर, कंफर्म कर लेता हूँ। अरे पूनम, तेरे अकाउंट में चेक कर, 3 लाख रुपए आए क्या? हाँ आगे। हाँ हाँ सर आगे। थैंक यू सो मच सर। सुन पूनम, ये 3 लाख रुपए से तू आईफोन और स्कूटी, बाकी तेरा अदर जो खर्चा है वो कर लेना। बाकी और भी कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं वो भी अरेंज कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ सर, क्या एक वीक के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा? ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो पूनम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी सर का कॉल आया था, ऑफिस के काम से मुझे 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तुम आराम से रहना, बाकी तुम्हारी जो भी जरूरत है मैं वापस आके पूरी कर दूंगा, ठीक है? अरे लेकिन सुनो तो सही। अरे अभी आपने खाना भी नहीं खाया, खाना तो खाते जाओ। अरे मैं रास्ते में खा लूंगा खाना, लेकिन अभी मुझे जाना जरूरी है। लेकिन मेरी बात तो सुनो यार। मैं आके तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा यार। लेकिन यार मुझे बहुत अर्जेंट काम है तुमसे। यार पूनम, ऑफिस का काम है, सर गुस्सा हो जाएंगे टाइम से नहीं गया तो। लेकिन सुनो तो सही। ठीक है, बाय बाय बाय। अरे यार ये इतने बिजी रहते हैं कि मेरी बात तक नहीं सुनी इन्होंने। पूरे दिन काम करते रहते हो और अभी भी रात कितनी हो गई है, थोड़ा रेस्ट तो कर लो। मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे बहुत सारा काम है। मैं सो जाऊंगा, आप जाके सो जाओ। आधी रात हो गई है, फिर कब सोओगे तुम? यार बोला ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अभी बहुत सारा काम पड़ा है मेरे पास, सुबह फाइल सबमिट करवानी है। तुम जाके सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। प्लीज यार पूनम, अभी मेरे पास एक लव सुनने का टाइम नहीं है और तुम बात सुनाने की बात कर रहे हो। प्लीज यार चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। हाँ सर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, बस घर से निकल ही रहा हूँ मैं। सुनो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ऑफिस से कॉल आया, अर्जेंट मीटिंग है मेरी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। यार मेरी मीटिंग है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं कितने दिनों से आपसे बोल रही हूँ मुझे आपसे कोई बात करनी है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। मैं वापस आकर सुन लूंगा, लेकिन मुझे अभी बहुत अर्जेंट काम है। आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना मेरे साथ खाना खाते हो, ना बैठते हो, सुबह उठते हो, ऑफिस चले जाते हो, रात को आते हो, वापस अपने ऑफिस के काम पे लग जाते हो। आखिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा ना। मतलब अरे यार बहुत थक गया हूँ आज। पूनम सुनो ना यार, एक गिलास पानी का पिला दो। आप जाके ले सकते हो। यार कैसी बात कर रहे हो, ऑलरेडी मैं ऑफिस में कितना परेशान होके आया हूँ और तुम यहाँ पानी तक नहीं पिला सकते? मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ, आप खुद जाके ले सकते हो। आपको दिख रहा नहीं मैं कुछ काम कर रही हूँ? यार पूनम मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ एक गिलास का पानी तक नहीं ला सकते? क्या करूँ ऐसे प्यार का? ऐसे प्यार से मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी। मेरी ख्वाहिशें पूरी होगी एक अच्छी कार से, एक अच्छे घर से। और वैसे भी मैंने आपको कितनी बार बोला कि एक आईफोन दिला दो, वो तो छोड़ो आपसे एक स्कूटी तो नहीं दिलाई गई मुझे। मैंने कब से बोल रखा आपको? तुम्हें ख्वाहिशें पूरी करनी है ना, एक काम करो, तुम सारी ख्वाहिशें एक पेपर में लिख के मुझे दे दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। वो तो मैंने पहले से ही लिख रखी है, आप तो बस इन्हें पूरी करो। ठीक है पूनम, ये ख्वाहिशें पूरी करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। ये रही वो पर्ची, इसको हमेशा मैं संभाल के अपने पास रखता हूँ। और हाँ, इसमें आपने समय और प्यार के बारे में तो लिखा ही नहीं, इसलिए मैं वो आपको नहीं दे पाया। बाकी आपने जितनी भी ख्वाहिशें लिखी है उनको मैं पूरी करने में लग रहा हूँ। और वैसे भी कुछ ख्वाहिशें तो आपकी पूरी कर ही दिया, बाकी और कुछ बची है वो भी मैं जल्दी पूरी कर दूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। सुनो ये पर्ची मुझे दो। मुझे माफ कर दो। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश ही तो पूरी कर रहा था। मैं मेरी फ्रेंडों के पैसे और गहने देख के लालच में आ गई थी, लेकिन मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे सिर्फ आपका समय और आपका प्यार चाहिए। अरे कोई बात नहीं पूनम, मैं सब समझता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, खुश नसीब बीबी वो नहीं होती जिस पति के पास पैसा होता है, खुश नसीब तो वो होती है जिसका पति अपनी बीबी को वक्त और प्यार देता है। ठीक है अभी तो मैं ऑफिस निकलता हूँ, बाकी शाम को जल्दी आकर और अच्छे से बात करते हैं।